जिगरे भला तानू ना लोड़ लोहे दी असले दी मंग ता मलांगी कर दे ओ सदा ही असूलां लई लड़न सूरमे कदे नारियां दे पिछे नहीं जांगे कर दे ओ पक मर्द दी शान जा कफन बन दी ओ कदे चुन्नी दा मड़ासा कुछ खो नहीं सकदा ओ पहली बंदा करे ना जनानी बाजियां ते कदे आशक रन्ना दा वैली हो नहीं सकदा पहली बंदा करे ना जनानी बाजियां ते कदे आशक रन्ना दा वैली हो नहीं सकदा। सिद्धू मूसेवाला भरा लई दोस्तों असीं इंसाफ की मंग करते हाँ तो करते रहेंगे तो जेकर असीं केस बारे ही तुहानूं जानकारी दईए तिन शब शूटर जिहड़े कि दोस्तों पुलिस के हत्थ नहीं सन लगे दो शख्सों का एनकाउंटर कर दिता सी जिस बारे तो तुहानूं पली पांति पता ही है पर जो एक लास्ट हैदी बचा सी उसनूं भी दोस्तों कल पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सारे ही दोस्तों शब शूटर हुण गिरफ्तार हो चुके हैं जिहड़े नहीं होए उन्हां दा एनकाउंटर हो चुका है पर गल हुण इह है कि जो भी इन्हां दे मगर मास्टरमाइंड है कतल करन वालेयां नूं तां तुसीं गिरफ्तार कर लिया पर जिसने भी यह साजिश रची 1 करोड़ रुपये दिता उसनूं तुसीं कदों कैनेडा विच डिपोर्ट कराओगे कदों उन्हां कार्रवाई करोगे तस्तस करोगे या पुछ पड़ताल जो भी तुसी करनी चाहते हो वो कदों करोगे उसनों कदों गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि दोस्तों मेन शख्स तो उही है ना गोल्डी ब्रैड जिसने की गल पोस्ट भी शेयर की थी जिहड़े दो एनकाउंटर में मारे गए हैं कि वो तो बब्बर शेर से बहुत कड़ियां दोस्तों अजिहियां ने जिहड़ियां कि सानू भी लगता अधूरियां रह गईयां ने सिर्फ शार्प शूटरां नूं ही गिरफ्तार करना इस केस का हल नहीं जिसने भी यह सब कार्रवाई करवाई उसकी कार्रवाई कदों होगी इस दी दोस्तों चर्चा वार वार सोशल मीडिया से सिद्धू मूसेवाले के फैन अक्सर करते ही रहिंदे ने ते भगवंत मान नूं भी वार वार क्वेश्चन करते हैं टैग करते हैं कि तुसी भी जवाब दवो इस दी कारवाई तेज करो बाकी देखते हैं भगवंत मान ते उम्मीद तो काफी है की करदा सिद्धू मूसेवाले वो भी केस विच ते दोस्तों जेकर असी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का ही जिक्र करिए करण औजला उसका एक होर गाना रिमूव कर दिया गया है रिमूव नहीं कह सकते मतलब RMG जैसे कि गैंगस्टा गाने नूं रिमूव किया सी जिहड़ा कि बाद विच रिकवर भी कर लिया सी रहान रैकड ने ते दोस्तों एक गाना सी करण औजले का हिसाब जिहड़ा कि RMG रैकड ते ही आया सी और रिमूव हो चुका है हुण उसकी ऑफिशियल वीडियो यूट्यूब ते दिखाई दे ही नहीं रही उन्होंने दोस्तों खुद इस गाने नूं डिलीट किया जां किसी ने करवाया मतलब रिहान रैकड ने डिलीट करवाया इस बारे कोई पुख्ता दोस्तों जानकारी सामने हले तक नहीं आई पर हाँ करण औजले का हिसाब गाना यूट्यूब तो रिमूव करा दिया गया है। दीप जंडू के करण औजले का मसला भी दोस्तों काफी सोशल मीडिया से वाधा नजर आ रहा है ते बाकी दोस्तों जो लाइव शो चल रहे हैं उन्होंने भी यह पूरी तक पा रहा है जो लास्ट लाइव शो से वो सोल्ड आउट रहा दो लाइव शो हुए दोनों में सिद्धू मूसेवाले का दोस्तों जिक्र होया एक ट्रिब्यूट किया एक लाइव शो में दीज डे गाना चलिया तीसरे लाइव शो में की होगा सिद्धू मूसेवाले बाबत ही यह गल दोस्तों वाकई ही देखने वाली होगी ते दोस्तों हुण असीं दलजीत भरा दा जिक्र करना चाहते हाँ जिसने कि एक बार फिर छाप छड़ दी है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री विच असीं दोस्तों ड्राइव थ्रू EP का ही जिक्र करना चाहते हाँ जिसने कि बिलबोर्ड चार्ट से ट्रेंड किया है कैनेडियन बिलबोर्ड चार्ट दोस्तों इदां इसनूं दर्शाया गया है सोशल मीडिया से जिसकी स्टोरी दलजीत दोसांझ ने भी शेयर की है कोई चाहे EP आवे चाहे एल्बम आवे दलजीत दोसांझ अलग छाप छड ही दिंदा है। वैसे दोस्तों असीं यह भी दसना चाहते हाँ ड्राइव थ्रू EP कुछ कु लोगों नूं इदां लग रहा है कि बॉलीवुड वल थोड़ा जिहा झुका इसका ज्यादा है जिवें दोस्तों मर्जी सी पर तक दोस्तों इसने पा दी है तो बिलबोर्ड चार्ट से ट्रेंड करना मतलब सुपर डुपर हिट ते लोगों नूं बखूबी तौर पर पसंद आ भी रही है कुछ डिफरेंट किया दलजीत भरा ने एक होर दोस्तों दलजीत भरा की पिक काफी ज्यादा वायरल हो रही है मगर हॉलीवुड लिखा हुआ सी ते थापी मारता हुआ दिखाई दिता जिसनों कि सिद्धू मूसेवाले के फैना ने सिद्धू की थापी नाल ही कंपेयर किया बाकी सिद्धू मूसेवाले बारे तो दलजीत भरा दो बारी बयान दे ही चुका है इन्हों भी दोस्तों कद ना कद कलैबोरेशन देखना चाहते सी पर सुपना सुपना ही रह गया बाकी दलजीत साई की EP बारे जो कि बिलबोर्ड चार्ट से ट्रेंड कर चुकी है तो थापी वाली क्लिप बारे अपने अहम विचार जरूर दियो तो दोस्तों हम असं सिंगे का भी जिक्र करना चाहते हैं जो कि सिद्धू मूसेवाले को लेकर थोड़ा जिहा भावुक होंदा हुआ दिखाई दिता तो पता ही है हरेक शख्स के लाइव शो में उन्होंने कहा जाता है कि तुम सिद्धू मूसेवाले बारे जिक्र करो ट्रिब्यूट करो उसका गाना गाओ शायद सिंह भी दोस्तों इदा कहा गया कि तुम थापी मारो जिस तो बाद उसने दोस्तों थोड़ा जिहा गुस्से में भी तो इमोशनल होकर विचार दिए सिद्धू मूसेवाले बाबत मैं थापी मार दिना जिसले वोटा चुहा रहा जी उदो किथे सीगे जो वोटा चो हारिया जिले अनाद गहरा खिंचते उदो ट्रॉल कौन करता आप ही करते हूं सानू थापिया याद आदिया हूं सानू थापी याद आती है जिसले जीव का पता उदो कदर नहीं पाते सिद्धी जी गल है मेनू दोगले बंदे पसंद नहीं ना मैं आप दोगला
मैं गल करदा मूंह ते देसी जिहा पिंडो आया मैं जट। पहला भी दोस्तों भरा बारे बयान दे चुका है, एक बार इकट्ठे भी दिखाई देते सन शायद, पर सिंह ने दोस्तों जो शब्द कहे उसने सारे ही लोगों के दिल चीर के रख दिता। कितने ना कितने दोस्तों इस गल में सच्चाई भी नजर आ रही है। सिद्धू मूसेवाले ने अपने पिंड का अपने इलाके का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, पर मानसा वाले ने की किया असी दोस्तों उसका जिक्र नहीं करना चाहते, सारे लोगों को वह गल दुख ही दिंदी है। बाकी सिंह ने जो कुछ बयान दिए इस बारे तुसीं अपनी जनतक राय जरूर दिओ। तो दोस्तों इत्थे हुण असीं यूजो हनी सिंह का जिक्र करना चाहते हाँ, उसका भी थोड़ा जिहा विवाद पकिया है सिंगस्टा जिस नाल कि पहला एक दो गाने विच कलैबोरेशन आ चुकी है जो हनी सिंह दी ते सिंगस्टा दी, शायद दोस्तों हुण वह बख हो चुके हैं, जिस करके लोग उसनू क्वेश्चन कर रहे सन, वार वार मैसेज कर रहे सन। ते उस तो बाद उसने एक स्टोरी शेयर की है, उसने यह कहा कोई जवाब नहीं दिता, कोई विवाद नहीं, मैं किसी नू कोई भी धोखा नहीं दिता। बाकी दोस्तों तुसी पूरी पोस्ट पढ़ ही सकते हो, कॉन्ट्रोवर्सी तो वैसे यह दूर ही रहा है। हनी सिंह ने बेशक कुछ गल्लां जुड़ जांदियां ने, पर वह भी दोस्तों इस बारे कुछ नहीं बोलिया। चलो ठीक है, वख हो गए, इन्हां दी कोई आपसी कोई गलबात हो सकती है, पर की दोस्तों इसनू विवाद का नाम देना, कॉन्ट्रोवर्सी का नाम देना सही है या गलत, तुसी ही दोस्तों दस्सो फिर इस बारे। ते दोस्तों असीं हुण विक्की कौशल ते कटरीना कैफ का भी जिक्र करना चाहते हाँ। पिछली वीडियो में असीं दोस्तों दस्सिया सी कि किसी शख्स ने उन्होंने धमकी दिती है, बहुत ही लोगों को लग रहा है कि लॉरिश बिश्नोई है, पर नहीं दोस्तों वो शायद इन्हां दा ही एक बहुत वड्डा फैन सी। फैन होने के नाल नाल वो एक संघर्ष करदा अभिनेता भी सी, एक्टर बनना चाहता है, पर हले दोस्तों उसका बहुता नाम नहीं होया। पर मुंबई की पुलिस ने दोस्तों उस पर कार्रवाई की है, उसनू गिरफ्तार किया है। विक्की कौशल ते कटरीना कैफ इस बारे कुछ ज्यादा बोले नहीं। तो दोस्तों रणवीर सिंह जिसके कि फोटो शूट कारण पूरे इंडिया में ही काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी, कुछ लोग उसनू बुरा भला भी बोल रहे सन, एक एफ आई आर भी दर्ज करवाई सी कि औरतों दी भावनावां नूं इसने ठेस पहुंचाई है। तो जिस तों बाद कुछ लोग होर ही गतिविधियां कर रहे हैं, जिवें कि कपड़े डोनेट करने, रणवीर सिंह दी पिक लगा के कचरा कहना, बॉलीवुड वाले इदां ने उदां ने, यह गल्लां दोस्तों वायरल हो रही ने। हुण इह गल्लां सही हन जां गलत, लोग तो दोस्तों वैसे हासे माहौल विच ही सारियां गल्लां नूं लै रहे हैं, पर एफ आई आर दर्ज उस ते हो चुकी है, उस ते कार्रवाई भी हो सकती है। तुसीं इस कारगुजारी नूं किदां देखदे हो, जनतक राय जरूर दिओ। पर असली गल इह आ वी ड्रेक नूं वी पता लग गया मैं कौन आ। आओ फिर उही इतिहासक डायलॉग याद करिए कि तू ड्रेक खुश हो, हुण खुश हो। तो दोस्तों हुण असीं शहरी मां का जिक्र करना चाहते हाँ, एक लाइव शो दौरान कुछ गल्लां करता हुआ दिखाई देता, अपना इतिहासिक डायलॉग वरतदा हुआ दिखाई देता, ऑडियंस नूं दोस्तों यह भी पूरा एंटरटेनमेंट करता है। प्रसिद्ध जैसमीन सैंडलेस नाल लाइव शो होने जा रहा है, जिस बारे तो दोस्तों इसने पहले ही कई विवादित बयान दे ही दिते हैं। लाइव शो बस सही तरीके नाल निबड़ जाए यही सारे शख्स चाहते हैं, पर फिलहाल जो इसने ड्रेक बारे कहा है कि मैं तो वह भी हुण जानने लग गया है, सिर्फ से सिर्फ उसके डायलॉग करके शहरी मां भी पूरा एंटरटेन करता है अपनी ऑडियंस नूं। तो दोस्तों एक होर खास गल दसण वाली रह गई, सिद्धू मूसेवाले दे कुछ शख्स जो हले भी लीक गाने कर रहे हैं, उसके करीबी दोस्तों मित्र ने एक बार फिर दरख्वास्त की है कि तुम इदा क्यों कर रहे हो। सिद्धू मूसेवाले के माता पिता भी कितनी बार यह गल कह चुके हैं, फिर आप दोस्तों मानते क्यों नहीं, फिर जो कार्रवाई की उदो ही सारे लोगों को ठल पाई जा सकती है कि दोस्तों तुम्हें इदा लगता है। तो अरदास भी जरूर करो सिद्धू मूसेवाले के माता पिता को परमात्मा यह भाणा मनने का बल बख्शे।